रेसलिंग दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक है। इसमें ताकत, कौशल और सहनशीलता की जरूरत होती है। दो रेसलर मैच के दौरान एक दूसरे को मैट पर गिराने या दूसरे से ज्यादा स्कोर हासिल करने की कोशिश करते हैं। रेसलिंग का इवेंट एक गोल मैट पर होता है, जिसके अंदर वाला सर्कल ब्लू कलर का और बाहर वाला ऑरेंज कलर का होता है। रेसलर इससे बाहर नहीं जा सकते। हर मैच में 3 मिनट के 2 पीरियड्स होते हैं, जिसमें रेसलर को थ्रो, होल्ड और टेकडाउन के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में रेसलिंग की 2 कैटेगरी हैं, फ्री स्टाइल जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है, और ग्रेको रोमन जिसमें सिर्फ पुरुष हिस्सा ले पाएंगे। वजन के हिसाब से रेसलर्स को 6 कैटेगरी में बांटा जाएगा। दोनों कैटेगरी के नियम एक जैसे हैं, अंतर सिर्फ ये है कि ग्रेको रोमन में रेसलर कमर के नीचे के हिस्से पर हमला नहीं कर सकते और विरोधी को होल्ड करने के लिए अपने पैर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि रेसलर अपने हाथ, कंधों और शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। ग्रेको रोमन में रेसलर अपने विरोधियों को उठाने और पटकने के लिए अपनी कमर का भी इस्तेमाल करते हैं। फ्री स्टाइल रेसलिंग अलग है, क्योंकि इसमें रेसलर लेग अटैक, थ्रो और टेकडाउन का इस्तेमाल करते हैं। रेसलर अपने विरोधी को चित करते ही मैच जीत जाते हैं। रेसलर फ्री स्टाइल में 10 अंकों की और ग्रेको रोमन में 8 अंकों की बढ़त हासिल करके भी जीत सकते हैं। इसे टेक्निकल फॉल कहा जाता है। पुराने समय में ओलंपिक खेलों में रेसलिंग मैचों में कोई समय सीमा नहीं थी। 1912 के ओलंपिक में एक रेसलिंग फाइनल तो 11 घंटे तक चला था।